नमस्कार साथियों, आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे भाई कि जो कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है मार्च 2020 से, और इंडिया में लगभग 3.5 लाख से ऊपर मौत हो चुकी हैं अगर कोरोना काल की बात करें तो। जी हाँ, अभी भी कुछ न कुछ पूरी इंडिया में देखा जाए तो 200-400 हज़ार के करीब लोगों की अभी रेगुलर मौतें हो रही है। इसको देखते हुए सरकार ने हालांकि पहले तक कुछ नहीं किया था, बीच बीच में कुछ अफवाहें आती थी कि सरकार ने ये बोल दिया, सरकार ने वो बोल दिया। कुछ राज्य सरकारों ने बोला था कि भाई जिनके बच्चे यतीम हो गए हैं, जिनके माँ बाप कोरोना में मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनको हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन वो बातें धरातल पे नहीं आ पा रही थी। जी हाँ, अभी एक न्यूज़ आई है, काफ़ी टाइम से आ रहा है, आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए आपके आस पड़ोस में अगर कोरोना की किसी से मौत हुई है। जी हाँ, तो आप सरकार की तरफ से 50,000 रुपये का मुआवजा मिलने का नियम बना है। जी हाँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, पिटीशन दायर की गई थी, तो उनके भी दिशा निर्देश थे कि सरकार को सहयोग करने की ज़रूरत है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारें हैं अपने अपने राज्यों में, उनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जी हाँ, तो मेरे पास कुछ एक नोटिफिकेशन आया है सरकार की तरफ से, तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। आप जिस भी जिले में हैं या फिर आप अपने राज्य में हैं, डिस्ट्रिक्ट में हैं या स्टेट में हैं, आप अपने अपने स्टेट में पता लगाएं कि आप या आपके किसी परिवार में, जानकारी में, गांव में डेथ हुई है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ये 50,000 रुपये आपको पूरी पूरी मिलने के चांसेस हैं। अगर जिनका परिवार में कोई नहीं है, उनके रिश्तेदारों को मिल सकते हैं, जैसे कोई तो कोई न कोई मिल ही जाएगा, मैन मुखिया चला गया, पर ख़त्म हो गया कोरोना में, तो उनके परिवार को मिल सकते हैं, या फिर कोई न कोई मिलेगा, तो एविडेंस के साथ में ये डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। 1 महीने का समय होगा, 1 महीने में ये पैसा आपके खाते में आ जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राज्य सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है, कैसे क्या करना है आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राज्य सरकार, हालांकि भैया इसमें बहुत सारे पन्ने थे, लगभग 20-25 पन्ने थे, लेकिन मैं आपको मेन पन्ना बता रहा हूं, बाकी आप अपने स्तर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ये 26/10/2021 जयपुर राज्य राजस्थान सरकार का है। देखो आदेश, देखो भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सिविल संख्या 549/2021 में, ये देखो पूरा प्रोसेस किया गया है, आवेदन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इसके द्वारा धारा 2005 की धारा 12 और के अंतर्गत COVID-19 के कारण मृत व्यक्तियों के नज़दीकी परिजन रिश्तेदार को अनुग्रह राशि दिए जाने हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 11/9/2021, यानी ये नया है भैया, ज़्यादा पुराना नहीं है, 25/9/2021 को मृत व्यक्तियों के कोविड प्रमाण पत्र जारी करने हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश। अब दिशा निर्देश सरकार को कब मिले हैं, भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं 3/9/2021 को, विभागीय आदेश हैं देखो 23/9/2021 की, निरंतरता से COVID-19 से मृत व्यक्तियों के नज़दीकी परिजन रिश्तेदार को अनुग्रह राशि का यथाशीघ्र सुगमता से भुगतान किए हेतु निम्न अनुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ये आप दिशा निर्देश हैं 7, ठीक है जी, आप इसको पढ़ सकते हैं। मृत व्यक्ति के रिश्तेदार परिजनों को 50,000 रुपये मिलेंगे, COVID-19 से मृत व्यक्ति के रिश्तेदार परिजनों को ये राशि भुगतान स्टेट रिस्पॉन्स फंड से ये दिया जाएगा, उक्त राशि का भुगतान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। मृत व्यक्ति के रिश्तेदार परिजन द्वारा आवेदन संबंधित जिले के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर, संबंधित तहसील के तहसीलदार को निर्धारित पत्र में ये समस्त आवश्यक दस्तावेज, मृतक के आवेदन मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, मृतक से आवेदन के संबंध, ये आपको ये देना होगा भाई। आप जिसे आपके क्यों कोई मौत हो जाती है वो आपका क्या लगता है, ये आपको देना होगा, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में देना होगा, आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, और आपका उनके साथ क्या संबंध है, ये दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, उसके आधार पे आपको ये 50,000 रुपये की राशि मिल जाएगी। संबंधित तहसीलदार द्वारा ऐसे आवेदनों को रजिस्टर में दर्ज किए जाकर उसी दिन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर को भेजे जाएंगे। जी हाँ, कोविड मृत व्यक्तियों के नज़दीकी रिश्तेदार परिजनों से सीधे प्राप्त होने वाले आवेदन तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों से विधिवत रिकॉर्ड रखा जाएगा और 30 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में यह पैसा भुगतान आ जाएगा। जी हाँ, उक्त अनुग्रह राशि देश में प्रथम कोविड केस आने की दिनांक से, यानी आप इस 7वां पॉइंट गौर से समझिए कि देखिए, प्रथम कोविड केस आने की दिनांक से COVID-19 की आपदा के रूप में डी नोटिफिकेशन द नोटिफिकेशन
आगामी आदेश जो पहले हो मध्य के कोविड 19 के मृत्यु के संबंध में होगी, यानी जब से मौत पहली मौत हुई थी इंडिया में तब से लेके आज तक में। इसमें आगे 20-25 पन्ने और हैं भैया, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं किए, ये आप समझ सकते हैं, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके नज़दीक में आपके परिवार में किसी की डेथ हुई है तो ये इसका स्क्रीनशॉट या आप अपने स्तर पे पता लगा लें जहाँ कहीं से भी, तो आप ये 50,000 रुपये की राशि ले सकते हैं। आई होप ये गरीब आदमी के लिए 50,000 रुपये भी एक बड़ी रकम होती है, जिनको नहीं पता होता कि जिन्हें अपने परिवार को सदस्य को खोया है, जो बहुत सारे ऐसे थे वो कमाने वाले थे और वो ही चले गए, तो एक परिवार के ऊपर आर्थिक संकट आ जाता है। तो आप सपोर्ट करिए, अगर आपका नहीं है तो आपके साथी पड़ोस में अगर ऐसी कोई घटना है उनको भी आप ये 50,000 रुपये दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय।